प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे ध्यान लगाने के लिए गुरुवार को यहां पहुंच चुके हैं। मोदी निकटवर्ती तिरुवनंतपुरम से यहां पहुंचे हैं और उनका भगवती अम्मन मंदिर में पूजा करने के बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर लगभग 2 दिन तक ध्यान लगाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री 1 जून को अपनी रवानगी से पहले तमिल कवि तिरुवल्लूर की प्रतिमा को देखने के लिए भी जा सकते हैं। मोदी के इस कार्यक्रम के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रख्यात हिंदू संत विवेकानंद के नाम पर बना यह स्मारक समुद्र के मध्य में स्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि गुरुवार शाम लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के समापन के बाद मोदी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम इस दौरान मौन व्रत धारण करेंगे और सिर्फ जूस का सेवन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार के बाद केदारनाथ गुफा में भी इस तरह का ध्यान लगाए थे। मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी रखेगी।